और इसी खबर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता है नूरपुर से भूषण फोन लाइन पर। भूषण, वहां पर विधायक पहुंचे हैं और पूरा स्टेटस यहां पे देख रहे हैं, तो क्या कुछ उन्होंने पाया कि क्या कुछ काम वहां पे हुआ है या क्या नहीं? जी देखा जाए तो और केश थानी जो विधायक हैं वो एक जुझारू नेता हैं और एक युवा नेता हैं। उन्होंने 5 साल में देखा है कि कांग्रेस के समय में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो नाम मात्र के हुए हैं, और जो ये विकास कार्य हुए हैं ये उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी धूमल सरकार थी उसी टाइम के हुए हैं। तो उनका कहना है कि जो कांग्रेस ने जो विकास कार्य किए हैं उस पर जो है वो सभी जो है देखा जाए इसको। बिल्कुल, और जिस तरह से वो पुरानी सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि जो काम जैसे थे वैसे के वैसे ही पड़े हैं, तो अब क्या उम्मीद करें कि अब वो उन कामों को गति देंगे और जिस तरह की उम्मीदें हिमाचल की जनता को है, नूरपुर की जनता को है, उन पर खरा उतर पाएंगे? जी आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। जो नूरपुर की जनता है उन्होंने पूरा ये सोच रखा है कि जो रकेब थानिया को उन्होंने जिताया है कि रकेब थानिया से उन्हें काफी उम्मीदें हैं कि रकेब थानिया जो है नूरपुर को एक विकास की तरफ लेके जाएंगे और नूरपुर में एक ऐसा विकास करा करेंगे जिसको वो चाहते हैं कि पब्लिक जो चाहती है कि नूरपुर में एक ऐसा विकास हो जो रकेब थानिया ही दे सकता है। बिल्कुल, और नया साल भी आज शुरू हो चुका है, पहला दिन है, तो हिमाचल में भी सब कुछ नया नया है, नया मुख्यमंत्री वहां पर है, नया पूरा कैबिनेट है, तो कैसा एक जोश एक उत्साह काम में देखने को मिल रहा है, और जो और भी कैबिनेट मंत्री हैं किस तरह से कामों को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरह के कदम वो उठा रहे हैं ताकि हिमाचल की जनता के दिल में जगह बना पाए और कांग्रेस दोबारा से सत्ता में ना पाए, हालांकि इसकी कोशिश भी कर रहे होंगे? जी जब से जयराम ठाकुर जी ने शपथ ग्रहण किया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने और उनके मंत्रियों द्वारा कार्य की जा रही है। आज भी जहां नूरपुर के विधायक ऋषिकेश थानिया द्वारा जहां जितना भी डिपार्टमेंट है सभी की आज बैठक बुलाई जा रही है और उस पर चर्चा की जाएगी कि नूरपुर के विकास को कैसे गति दी जाए। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।